कैमरामैन रेडी है ना? जी रेडी। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस रियल न्यूज चैनल में। तो आपने आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में तो बहुत सुना होगा। बनाने वालों का कहना है कि ये 100% असली तेल बनाते हैं और इसमें 108 जड़ी बूटियां डाली जाती हैं और ये 10 से 12 घंटे में बनकर तैयार होता है। चलिए छोड़िए, ये तो आपको पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये तेल बनता कैसे है। तो हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल बनता कैसे है। कैमरामैन आओ, फॉलो मी। क्या हाल है अन्ना? अरे नमस्कार बाबू जी, नमस्कार। ये क्या कर रहे हो अन्ना आप? ये अन्ना हम तैयारी कर रहे होते तेल बनाने की, जिससे आपका लंबा और मोटा हो जाता। क्या बात कर रहे हो अन्ना, सच में लंबा मोटा हो जाएगा? और काफी सारे यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसरों ने हमसे तेल लेकर लंबा मोटा करा है। आपको यूज करा है? जी 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 जी, आपको यूज कराते हैं। ए जड़मुंजा, तेल लेकर आओ। कहाँ रखा है आपने वो तेल? हाँ लेकर आओ जल्दी बाबू जी, यूज कराते हैं। 2 बोतल लगाया था, देखिए कितना लंबा बाल हो गया। चलिए मंगाइए मंगाइए, तेल मंगाइए। तेल लगा कर देखिए आप हमारा। हाँ तेल लगाइए, लगा कर देखिए आप, फिर हमसे बात करना, ठीक है? तो ये हमारा तेल अगर आप भी मंगाना चाहते हैं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं, वहाँ बेच नहीं पाते। 2 बोतल लगाया था, देखिए कितना लंबा बाल हो गया है। आपको अगर ये चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर देना। ये कितने घंटे में बनकर तैयार होते हैं? 10 से 12 घंटे में बनकर तैयार होता है। इसमें 200-300 जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं और 108 सबसे पहले डाली जाती हैं। तो बाबू जी तेल कैसा लगा? बाबू जी ये क्या कर रहे हो तुम? अन्ना आपने ही तो बोला इस तेल को लगाने से लंबा और मोटा हो जाएगा। अरे भाई तू कितना भोला होता, तिगान में इतना लंबा लोला होता, इससे सिर्फ बाल बड़ा होता ना कि औजार। तू कहाँ तेल लगाती यार? अन्ना फिर तो बेकार है आपका ये तेल। अगर दानिश भाई होते ना तो तुम बुरा नहीं बताती हमारे तेल को। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं आपका अपना सूरज यादव रियल न्यूज की तरफ से। आप सब ने आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में तो सुना ही होगा, तो हमारे साथ बैठे हुए हैं आदिवासी हेयर ऑयल को जन्म देने वाले। तो आइए इनसे टॉप 5 क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या हाल है अन्ना? बहुत बढ़िया। अन्ना हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे, जिसमें से कि पहला सवाल ये है कि आपके तेल के क्या क्या फायदे हैं? इस तेल के बहुत फायदे हैं। अगर आप हमारे इस आदिवासी तेल से मालिश करता है तो आपका लंबा भी होगा और मोटा भी होगा। क्या? अरे बाबा मैं बालों की बात कर रहा, औजार की नहीं। ये देखो 2 बोतल का कमाल है, कितना लंबा बाल आ गया। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है तो आपको 100% स्कैम के साथ मिलेगा। बिल्कुल आज ही ऑर्डर करें। 1 बोतल 3 महीना चलती है और 2 बोतल 6 महीना, तो 6 महीना का कोर्स करो तभी आपका बाल बढ़ेगा, वरना जट भी नहीं बढ़ेगा। साला तुम्हारे जंगलों के पौधे इतनी जल्दी बड़े नहीं होते जितनी जल्दी तुम बाल बढ़ाने की बात कर रहे हो। क्या चूतिया समझाए क्या हमें? अरे नहीं नहीं भैया, हमारे तेल से सच में बाल बड़ा होता है। ये देखो 2 बोतल का कमाल है। अच्छा ठीक है, हाँ मैं आपसे शर्त लगाता है, 2 बोतल यूज करके देखो, अगर आपका बाल नहीं बड़ा होगा ना तो मैं इसी आदिवासी तेल से अपनी गांड मरवा के आत्महत्या कर लेगा, ठीक है? अब 2 बोतल यूज करके तो देखिए, 6 महीना का कोर्स है। अबे पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ, अभी तक 1 इंच भी बड़ा नहीं हुआ। अन्ना आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका तेल का हर यूट्यूबर प्रमोशन कर रहा है, तो वो प्रमोशन फ्री में है या फिर पैसे वगैरह लिए हैं? अयो भाया फ्री में तो रिश्तेदार भी काम नहीं करता, फिर भी वो तो बहुत बड़ा बड़ा फेमस यूट्यूबर लोग हैं। अन्ना लेकिन आप तो बहुत गरीब लोग हो, तो आपने उनका पेमेंट कैसे करा? वो बिलोजो बिलोजो आप। अन्ना आपसे तीसरा सवाल ये है कि आपका तेल बनाने का प्रोसेस क्या होता है? मतलब आप क्लेम करते हैं ना कि 108 जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, तो वो 108 जड़ी बूटियां कौन कौन सी डाली जाती हैं बताओगे आप जरा? अरे भाया आपने पिछला वाला इंटरव्यू नहीं देखा? आपकी टीम का कोई बंदा था मोहन सिंह करके, वो हमारे प्रोडक्शन हाउस आया था, उसने सारा वो तहकीकात करी थी, आपने देखा नहीं है वो? बे मोहन सिंह कौन है यार? तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। अन्ना दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये बताइए इस तेल में क्या क्या चीज डाली जाती है और कितनी कितनी डाली जाती है और कैसे कैसे डाली जाती है? मैं बहुत सारी जड़ी बूटियां डालता हूँ। ये देखो ये बंदर का आंड होता है। बंदर का आंड अन्ना भी डालेगा इसमें? ये आंवला होता, अदरक होता, धनिया होता, बहुत सारा भांग बोसड़ा होता जो डालता है इसमें, तब बाल बनता है। 2 बोतल का कमाल। आइए आइए, तो सबसे पहले इसमें डालेगा काला काली ड्रिंक। काला कोल्ड ड्रिंक अन्ना? काला काली ड्रिंक डालेगा इसमें। आराम से। अरे मैं तो रिपोर्टर। अरे निकल जाने बाबा। आप क्या डाल रहे हैं इसमें? अन्ना अब डालेगा इसमें ये कॉन्डम। ये अन्ना रात को यूज किया था ना, तो इसको अपन इसको भी डाल ही देता। छी अन्ना छी।
अब इसमें 5 आमला डलेगा। आमला बढ़िया चीज है ना। आमला 5 डलेगा इसमें और थोड़ा धनिया डलेगा। धनिया से शाइनिंग आती है ना। धनिया से बाल काला होता है। देखो दो बोतल। अच्छा, दो बोतल का कमाल है। हमारा कब होगा दो बोतल का कमाल है ना? जब आप खरीदोगे हमसे जब होगा। और ये देखिए ये बंदर का अंडा है जो कि 3 डलेगा इसमें। 3 बंदर का अंडा है ना। 3 बंदर का अंडा डलेगा इसमें। और ये अदरक के 2 पीट डलेंगे। 2 पीट अदरक के डलेंगे। अदरक के 2 पीट तोड़ के डालते हैं, इससे स्वाद होता है। ये देखिए ये किसकी जड़ी बूटी है ना? ये जड़ी बूटी है नहीं है, पास से दिखाइए लोग। पास से दिखाओ कैमरामैन। ये शेमड़े समझा ना। बी टाउन भोसड़ी वाले। बी टाउन ना। बी टाउन भोसड़ी के। बी टाउन भोसड़ी। अच्छा अच्छा। डलती ये इतनी डलती इतनी बहुत है बहुत। ये लाइए। ये किस जमाने की है ना? ये हमारे पूर्वजों ने जो कि पत्थरों में गाड़ घिसी थी तो उसमें से ये होगा है। घिस घिस के निकली है ये डलेगी थोड़ी सी भी। हाँ ये पकड़िए ये दीजिए। ये पता है आपको किस कीड़े के वो है आंड? किस कीड़े का आंड है ना? ये मुझे भी नहीं पता लेकिन हमारे पूर्वज बताते थे बड़ी अच्छी आदत का कीड़ा था वो। जब भी हमारे पूर्वज उसके घर जाते थे। कीड़ों का भी लेते थे आपके पूर्वज? जी मतलब नाश्ता पानी कराते। अच्छा, थे नाश्ता वो पानी कराते तो थे। ये थोड़ा डलता है थोड़ा थोड़ा। देखते रहे ना आप। देखिए क्या क्या डालना है। अब इसमें डलेगा मैगी मसाला। मैगी मसाला ना इसमें? जी माजी मसाला डलेगा इसमें। अरे कहते हैं इसमें माजी मसाला डलेगा। अन्ना कितनी जड़ी बूटी डलती है इसके अंदर। माजी मसाला भी डलेगा इसमें। इसमें डलेगा ये थोड़ा क्या ये क्या है? रसमैल। देखिए अन्ना जड़ी पे जड़ी बूटी डाले चले आ रहे हैं। इंग्लिश आइटम है रसमैल। रसमैल जड़ी बूटियों की कमी नहीं है इनके पास। ये प्योर जड़ी बूटी डालते हैं। ये देखिए ये थोड़े पत्ते डालते हैं हम जो कि हमारे खेत में उगते। अच्छा खेत में आपके खेत भी हैं? ये खेत है हमारा पूरा। ये पत्ते 3 डालते हैं। अरे अन्ना ये किसके बाल हैं? अरे क्या हुआ? नहीं इमोशनल नहीं इमोशनल नहीं। ये हमारी मोहब्बत के बाल हैं। मोहब्बत कितने बड़े बाल हैं ना? चूली के बाल हैं। कहाँ के? नीचे के। नीचे के ज्यादा बड़े बाल नहीं है अन्ना? डिवोर्स दे दिया। जूली को कैसे डिवोर्स दे सकते अन्ना? जूली को डिवोर्स देने की हमारी एक ही वजह थी। क्या? उसके ढूंढना पड़ता था अन्ना की गुफा कहाँ है। अच्छा अच्छा गुफा। अब इसमें ये भी डलती है। जूली की है ये। जूली की डलती है इसमें तो अन्ना। जूली तो पिंक है ना? जूली की भी पिंक है ये। अच्छा अच्छा। जूली की बिरा भी। जूली भी पिंक। बिरा भी पिंक। अब क्या रह गया? अरे लाइए ना यार जूली की याद बहुत आती है। तो इसमें अभी ये डलेगा। ये क्या है अन्ना? ये माल है। किसका माल अन्ना? ये इंसान का माल है। इंसान का माल मतलब? ये इंसान का माल है मतलब कि इसको पकड़ो चम्मच को। तो गाइस देखिए अन्ना ने पता नहीं क्या सब्जी डालकर भांग भोसड़ा फैला दिया है। बिल्कुल पता नहीं क्या बना रहे हैं अन्ना। अब क्या इसके अंदर डलेगा? अब इसके अंदर पता नहीं क्या रहेगा। कॉपी निकाल कर आओ, डायरी निकाल कर लाओ। डायरी में देखते हैं कि क्या क्या डालना बाकी है। अभी 108 डलती है ना इसमें। 108 डलती है इसमें। तो अभी हम दिखाते हैं। ए चम्मच लाओ रे, चम्मच से इनको मिलाना है। डायरी आ गई हमारी। तो इसमें देखिए बेबी सब डलेगा इसमें। ये लो जी, ये लो अन्ना। अब इसको चलाइए। चम्मच लेके आ रहे बड़ा वाला अन्ना। इसमें टोटल कितनी जड़ी बूटी डाली जाती हैं? इसमें 108 जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। पर आपने तो 8-10 डाली हैं, बाकी की 100 कहाँ हैं? अरे भाया अगर हम आपको पूरी 108 जड़ी बूटियां डालकर दिखा देगा तो फिर आप अपने घर पे नहीं बना लोगे कोई। अच्छा सच बोल रहे हो आप? जी हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। हम बहुत गरीब लोग हैं। 2 बोतल लगाया था, इतना लंबा बाल हो गया। आपका भी हो जाएगा। इस बात का कोई सबूत है? मेरा भी इतना लंबा हो जाएगा? सबूत चाहिए आपको? हाँ सबूत चाहिए। सबूत चाहिए ना? सबूत देखो, सबूत देखना है। वो देखो सबूत, वो देखो सबूत। देखो ये हमारे जॉनी गुरु जी आए थे यहाँ पे तो उनका देखो कितना प्लेन टाट था। फिर ये देखिए कितना लंबा बाल आ गया। 2 बोतल लगाया था आप, ये हमारे यहाँ से लेकर गए थे 100% डिस्काउंट के साथ। आप बैंड चोर, अनबिलीवेबल अन्ना ये कैसे हो गया? अरे ये होता है भाया। देखिए बालों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए आज ही खरीदे काले मूत की बोतल। तो आज ही खरीदे ना 100% स्कैम के साथ। अन्ना आपके तेल से बाल नहीं बड़े होते, मैंने देखा है। अरे बड़े होते ये दिख तो रहा है ना। नहीं अन्ना नहीं होते अन्ना। अरे बाबा बढ़ता है। तुम अन्ना क्यों झूठ बोलते हो? अरे बाबा मैं बोल रहा हूँ ना इससे बाल बड़ा होगा। सुन अन्ना छूते कम बना लोगों को है, तेरे बालों से ना झांटी बड़ी ना होगी।
साला क्या जानवर इंसान है आप लोग, काटते क्यों नहीं है मैं? अरे भाया मैं अपना बिजनेस क्यों काटेगा भला? बिजनेस मतलब? अरे सिंपल है भाया, जब ये मेरा नीचे का बाल 1 kg का हो जाएगा तो मैं इसको काट के 4,000 रुपए किलो में बेच देगा, क्योंकि भारत में 4,000 रुपए किलो में बाल खरीदा जाता है ना। चलिए बिजनेसमैन जी, आपसे 14 सवाल ये है कि आपकी समाज में इज्जत क्यों नहीं है? नहीं भाया तू गलत बोलता, बहुत इज्जत है हमारा बाहर लोगों में। अच्छा दादी वाला इंटरव्यू देखा क्या आपने? नहीं कौन सा वाला? कौन सा वाला? तो जैसा कि आप जानते हैं आदिवासी हेयर ऑयल का आजकल इतना क्रेज है जितना कि लड़कियों में BTS का होता है। खैर उनके बारे में हम क्या ही बात करें, वो तो हिजड़े हैं। तो आज हमारे साथ है दादी, दादी से हम पूछने वाले हैं आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। तो दादी से पूछते हैं क्योंकि उनको हट हुआ है। चलिए हाँ तो दादी बताइए आदिवासी हेयर ऑयल कैसा है? बहुत बेकार है लल्ला। अरे नहीं दादी वो तो बहुत अच्छा है, सारे यूट्यूबर उसके बारे में बहुत बढ़िया बताते हैं। बेटा ये यूट्यूब कम्युनिटी बिक गई है, अभी यूट्यूब कम्युनिटी में कुछ नहीं रखा। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोट के बच्चे, इतने गांड फटी के ये बड़वे कि कुछ कह नहीं सकते। तो आपका मतलब आदिवासी हेयर ऑयल बिल्कुल बेकार है? बहुत बेकार है गांड फटी। अरे दादी उसका प्रमोशन तो एल्विस यादव ने भी किया है जो बिग बॉस का विनर था। अच्छा गांड फटी की मैं तेरी बात बड़ी कर रही है, अभी रुक जा। जब एल्विस यादव को इतना ही भरोसा था उस आदिवासी तेल पे, इतना ही अच्छा और सच्चा तेल था वो, तो उसने हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराया ये बता पहले मेरे। अरे दादी वो लोग बहुत गरीब है, अपना हेयर ऑयल फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बेच भी नहीं पा रहे हैं जबकि उनका ऑयल 100% असली है। अजी लुल्ला मेरे आदमी का असली है। अरे डेटॉल वाले तो आज तक 99.99% पेट के पड़े, और वो 100% असली ऐसी तो मान लूंगी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बेचने के लिए ना GST नंबर लेना पड़ता। GST नंबर लेते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं, अगर GST नंबर नहीं लेंगे तो इनकम टैक्स की चोरी कहाँ से करेंगे ये बता पहले मेरे को, चोरी कैसे होगी फिर? तो बेटे टट्टी खेत में करो या घर पे, टट्टी टट्टी होती है समझ रहे। तो यानी कि आपका मतलब है बिल्कुल बेकार है वो? बहुत बेकार है गान पट्टी का। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि दादी ने कितने काले चिट्ठे खोले काले तेल के बारे में, अगर मैं यहाँ 10 मिनट और रुकता हूँ तो विवाद हो सकता है, तो इस मुद्दे पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं। दादी से सिर्फ एक और सवाल पूछेंगे कि दादी को हर्ट क्यों हुआ। तो आइए पूछते हैं, कैमरामैन फोकस कीजिए। तो दादी बताइए आपको हर्ट क्यों हुआ? लल्ला 2 साल पहले की बात है, ये काला मूंछ जब ट्रेंडिंग में चल रहा था ना, हाँ, तो हमारे आदमी ने भी सोचा हम भी बाल बढ़ाएंगे, तो उन्होंने 2 बोतल ऑर्डर कर ली। अच्छा अब ऑर्डर कर ली तो रात में जो है उन्होंने सर पे लगाने की बजाय नीचे लगा लिया। नीचे कहाँ? पैरों पे? अरे वही वही लगा लिया उस जगह, वही कहाँ मतलब जाटों पे? जी जी वही लगा लिया। तो उससे मेरे को पता है हट क्यों हुआ। क्यों हुआ? अरे साला इतनी बढ़ गई कि ढूंढनी पड़ती थी, ढूंढना पड़ता था उनका कि कहाँ है। मैं भूखी रह रही थी, भूखी मर रही थी बिल्कुल, उसके लिए स्टेमिना नहीं मिल रहा था मेरे को। डार्क सलकर पड़ गया मेरी आंखों के नीचे बिल्कुल, मैं कितनी कमजोर हो गई, काली पड़ गई, पीली पड़ गई बिल्कुल। इसी गम में मैंने अपने आदमी को भी मार दिया। क्या आपने अपने आदमी को मार दिया? आपको पता है इससे आपको जेल हो सकती है, फांसी की सजा हो सकती है, आपकी मुखबरी भी हो सकती है। कौन करेगा मेरी मुखबरी? आपके मोहल्ले वाले कर सकते हैं। बहन कुछ चौथ दूंगी पूरे मोहल्ले बस्ती की, कौन करेगा मेरी मुखबरी? हाँ बड़ी मेरी। तो जैसा कि आपने देखा दादी ने अपने हस्बैंड को भी मार दिया है उस तेल से प्रभावित होके, और इनका कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आदिवासी हेयर ऑयल बिल्कुल बेकार है। तो आज की यही इस खबर को यही खत्म करते हैं। तो आज की इस खबर को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट खबर में। जय हिंद जय भारत जय काले मूत की शेर। भाई वो बुरिया तो चिनार है, उसके बारे में हम क्या ही बात करें। बस सारी बात तो उसी ने कर दी, अब तुम क्या करोगे? हम देगा। क्या देगा? 5वें सवाल का जवाब। तो आपसे 5वां सवाल ये है कि आपने बालों को बड़ा करने का तेल तो बना लिया, लेकिन उसका बड़ा करने का तेल कब बनाओगे? किसका? अरे उसको। तो इसका जवाब मैं एक लाइन में दे या फिर घुमा फिरा के? घुमा फिराने का क्या मतलब है, एक लाइन में दो। हम फिर स्कैम नहीं कर पाएगा। क्या मतलब समझाओ थोड़ा। भाया आज के वक्त में ना आधी से ज्यादा जनरेशन रात में बस एक ही काम करती रहती है कि तैयार हो जाओ बेटे, जाग जा बेटे, लेकिन जागते ही नहीं है। तो इसे लेकर ना लोग ज्यादा सीरियस रहते हैं, बालों को लेकर नहीं रहते। अगर हम इसका तेल बनाएगा और अगर उनका बड़ा नहीं हुआ तो वो हमारा करियर खतरे में ला सकते हैं ना, जेल करवा सकते हैं हमको। तो हमें जेल नहीं जाना, हम थोड़ा बहुत बालों के तेल का स्कैम करके हम थोड़ा बहुत पेट भर रहे हैं, तो यही ठीक है हमारे लिए, इतना नहीं चाहिए हमारे को।
करियर थोड़ी कतरे में लाना है ना मैं। बे तुम्हारे तेल से तो बाल भी बड़े नहीं होते। होता है भाया। बे नहीं होता। होता है। 3 साल से यूज कर रहा हूँ, नहीं होता। अरे होता है भाया, देखो 2 बोतल का कमाल है। बोला ना नहीं होता। मैं भी बोला ना होता है। कहाँ है प्रूफ? ये रहा प्रूफ। कहाँ है? अरे ये रहा प्रूफ, ये रहा प्रूफ, ये रहा प्रूफ।